सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ चेंज कर दिए गए हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं और यह सभी बोर्ड के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि CBSE, CISE, NIOS और सभी स्टेट बोर्ड के लिए भी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट टाइम तक जरूर देखें और इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड के नंबर एड ऑन होने हैं। तो यहाँ पे प्री बोर्ड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा मेन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बातें सामने आ रही हैं कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में लेने की बातों को कन्फर्म किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटरिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो मशीन लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, उनके जो एग्जामिनेशंस यहाँ पे कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। अब पता नहीं आपके स्कूल बोर्ड में इस सिलेबस को कम्प्लीट भी कराया गया है कि नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होंगे कि ऑनलाइन मोड में होंगे? तो यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन को चेंज करने की बातों को तो अभी उसी प्रकार स्थिर रखा गया है, लेकिन CISE की तरफ से इन सभी चीज़ों में काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो चेंजेस होने हैं, उनको पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। और यहाँ पे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में ये छेड़खानी इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं उनका मोड जो है वो ऑनलाइन मोड में ही है, तो उनका एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब ये डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट इनके कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 99% चांसेस हैं कि यहाँ पे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में, और वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आप 9 के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, क्योंकि प्री बोर्ड सभी का होना है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके 50% नंबर्स को एड ऑन किया जाएगा आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के नंबर पे। तो यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को अभी तक जो लोग यहाँ पे एकदम इजी वे में ले रहे थे, तो प्लीज़ यही समय है, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अटेम्प्ट करिए, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों का महत्व काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वह ज़्यादा महत्व नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमेस्टर में एग्जाम हुए थे, 50% प्लस आपके पास इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट मार्क्स के भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके नंबर थे, मार्क्स थे, उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता था। लेकिन इस बार आप एकदम अकेले हैं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली वन फेज में है, ना ही यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देखने को मिल रहा है। मे बी जो इंटरनल असेसमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके लिए भी कोई नए क्राइटेरियाज ला दिए जाएँ जिससे आपको वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ही एक ऐसा महत्व है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन बातों को साफ तौर पे कन्फर्म कर दिया गया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो नंबर्स हैं वह इम्प्रूव हो जाएंगे कंपेयर टू प्री बोर्ड। यानी कि जिन बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया है या जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को देंगे उनके नंबर्स यहाँ पे ऐड ऑन होंगे मेन मार्कशीट में, ये बातें साफ तौर पे बोली गई हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पे रोड मैप आया था बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड CISE और CBSE का, उसमें कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम काउंसिल कमेटीज़ के हेड हैं उन्होंने यह फैसले लिए थे कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर को ही बनाया जाएगा और हम यहाँ पे MCQ के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे कम से कम प्रीफर करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर MCQ की संख्या अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे आप लोगों के नंबर भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों को साफ तौर पे बोल दिया गया था। अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को सबसे पहले दिसंबर के महीने में स्टार्ट कर दिया जाएगा और लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी CISE से अफिलेटेड स्कूल बोर्ड हैं, चाहे ISC के हों, चाहे SSC के हों, सभी को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देना कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब से जो भी परीक्षा केंद्र होंगे, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, उनके लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाएगी। जी हाँ, आप लोग स्क्रीन में प्रूफ भी देख सकते हैं, इन सभी बातों को साफ तौर पर कन्फर्म किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ देना है। साथ ही साथ CBSE ने यहाँ पे काफ़ी चौंकाने वाली अपडेट देते हुए सभी बच्चों को हैरान कर दिया है कि यहाँ पे बच्चे मांग उठा रहे थे कि होम सेंटर हो जाए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का, लेकिन यहाँ पे CBSE ने इन सभी बातों को कन्फर्म कर दिया है कि होम सेंटर्स नहीं होंगे। जी हाँ, होम सेंटर्स होने की बात ही नहीं है, एग्जामिनेशन को होम सेंटर में नहीं कराया जा रहा है इस बार का, क्योंकि यहाँ पे होम सेंटर में बोर्ड एग्जामिनेशन करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है
और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त भरा है, जिसके चलते बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के चलते इन सभी चीज़ों में काफ़ी बड़े अपडेट प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बात करूँ यहाँ पे CISC के, तो CISC और CBSC के साथ साथ विभिन्न स्टेट बोर्ड के जितने भी काउंसिल कमेटीज़ के हेड हैं, उन्होंने यह फैसला लिया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो सेंटर हम प्रोवाइड करते थे, वो इस बार एक अलग से कमेटी बनाएंगे और उसी के बेसिस पे बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड होगा। मे बी बोर्ड एग्जामिनेशन का सेंटर्स को काफ़ी दूर भी भेजा जा सकता है, तो आप लोग इससे अवेयर रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यह समझना होगा कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को पूरी तरह से सेपरेट किया जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियसली ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको इन सभी चीज़ों को समझना है, प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर का लेवल आ रहा है, इस बार CISC यह कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल को हम थोड़ा सा डिम कर रहे हैं, क्योंकि हमको डर है कि हमारे बच्चे फेल ना कर जाएं। CISC ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट दिख रहा है, लेकिन MCQ मोड में जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सामने आ रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे बोला जा रहा है कि MCQ मोड की जो प्रेफरेंस है वह बच्चों के एग्जामिनेशन में नंबर्स को कम कर देगी, जिसके चलते हम बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़े चेंजेस ला रहे हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है कंपेयर टू CBSE। अगर CBSE से CISC क्वेश्चन पेपर के लेवल को कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसा कि हर बार क्या होता था कि ICSE के बोर्ड एग्जामिनेशन को, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में शुमार किया जाता है, जिसके चलते ICSE के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी फील होती है जब वो क्वेश्चन पेपर देते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं, प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के लेवल का जो मॉड्यूल है उसको CBSE के तुलना में काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया जा रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनमें भी इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हर दो सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हुए, जिससे यहाँ पे आपके नंबर को इम्प्रूव करने का मौका आपके पास था, लेकिन CISC कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास होने के चांसेस बहुत कम है, जिसके चलते आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा अवसर नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर पाए। आपके पास सिर्फ एक ही सेमेस्टर है जिसमें आपको पूरी तरह से अपना 100% देना है, लेकिन आपके नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आप प्री बोर्ड का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इस प्रकार से कंडक्ट कराया जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं यह पीछे से इम्प्रूव कर, एक प्रकार से यह प्लस साबित होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट मार्क्स जमा किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर तो दिए ही जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जो नंबर्स हैं उसको भी आपके मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में इसको भी काउंट किया जाएगा, जिसके चलते आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी बड़ी अपडेट आ गई हैं। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जिस प्रकार से कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उनमें इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है कि स्टूडेंट